आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो सभी साउथ इंडियन डिशेस के साथ खाई जाती है और सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सभी दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली इस नारियल की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की दाल को रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से रोस्टेड चना दाल है तो आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप बिना छिलके वाले भुने हुए चने या मूंगफली भी यूज कर सकते हैं। इस चने की दाल को हम बहुत लो फ्लेम पर धीरे धीरे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। चटनी बनाने के लिए हमने लगभग 150 ग्राम फ्रेश कोकोनट लिया है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और साथ ही हमने इस नारियल का छिलका भी उतार लिया है। अब हम इसे चॉप करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी हम नारियल की जब चटनी बनाएंगे तो इसको पीसेंगे, तब भी ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में बट जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पीसने से पहले, मीन्स चटनी बनाने से पहले, अगर हम इसको ग्रेट कर लेते हैं या छोटे पीसेस में काट लेते हैं तो इससे चटनी का जो टेक्सचर है और टेस्ट है वो काफी बेहतर हो जाता है। अपने कुकिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप किसी भी रेसिपी के स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो हमेशा जो आपकी डिश तैयार होगी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम पहले से रोस्ट की हुई चने की दाल डालेंगे, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने पीसेस में काट रखा है वो लेंगे, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ नारियल भी डालेंगे। में 1 छोटा चम्मच नमक और 4 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। इसके बाद ग्राइंडिंग जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए चटनी थोड़ी पिस गई है लेकिन ये साइडों में चिपक गई है, इसे हम छुपा लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर कुछ सेकंड्स के लिए पीसेंगे। इसी तरह से हम बीच-बीच में चटनी को चेक करते जाएंगे और उसको साइड से छुटाकर बीच में इकट्ठा करके और उसमें फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर पीसेंगे। इसमें जैसे लगभग हमने 100 ml पानी डाला है और उसको 3 बार में हमने डाला है, तो इसी तरह से आपको भी बार बार चटनी को चेक करना है और उसमें पानी ऐड करना है। और ये पानी आप 100 ml से ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। हमें थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए थी चटनी की, इसलिए हमने इतना पानी ऐड किया है। अब हमारी चटनी पिस चुकी है, तो अब हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसके लिए छोंक की तैयारी करेंगे।